माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है मॉर्निंग टाइम और आ गई हूँ मैं किचन में बनाने के लिए ब्रेकफास्ट। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स मैगी, क्योंकि ना मैगी की मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम मैगी की रेसिपी आप डालिए अपने ब्लॉग में। तो काफ़ी दिन से काफ़ी मतलब रिक्वेस्टेड वीडियो है फ्रेंड्स, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे मेरे वो सब्सक्राइबर। और मैं बता दूँ ये भी बता दूँ कि वो सब्सक्राइबर कौन है, क्योंकि उनकी स्पेशल डिमांड है कि मैं उनका नाम लेकर मेंशन करूँ कि किसने ये रिक्वेस्ट की है। तो फ्रेंड्स मेरे एक सब्सक्राइबर हैं डॉक्टर भानु, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि मैम आप एक मैगी की रेसिपी डालिए। हालांकि सबको आती है, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट थी, उनकी विश थी, तो मैंने कहा चलिए मैं एक मैगी की रेसिपी डाल देती हूँ आज। तो आज मैंने उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज अपनी एक मैगी की रेसिपी शेयर की है आप लोगों से। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आएगी रेसिपी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। तो क्योंकि आज की ब्लॉग में मैं सिर्फ रेसिपी ही शेयर कर रही हूँ और कुछ भी शेयर नहीं करूँगी फ्रेंड्स। तो वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, तो वीडियो छोटू सा ही वीडियो है। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड प्यारा सा एक कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं बनाने मैगी, तो उसके लिए चढ़ा दी कढ़ाई, डाल दिया उसमें ऑयल। और ये देखिए मैगी है, टमाटर है, और तड़के के लिए हरी मिर्च है, मटर है, मसाला है, मैगी मसाला है। तो सबसे पहले हम ऑयल गर्म हो गया तो उसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। फ्रेंड्स मेरे पास जीरा ख़त्म हो गया था, तो आप जीरा ज़रूर डालिएगा क्योंकि मैं डालती हूँ हमेशा ही, बट आज ना जीरा जो था ख़त्म हो गया था तो जीरा नहीं डाला है। तो अभी मेरा तड़का हो गया तो उसमें मैं डाल दूँगी अपनी मटर। तो सफ़ल मटर ली है मैंने फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेश मटर तो मिल ही नहीं रही है अभी, तो सफ़ल मटर ही ली है मैंने। तो मटर डालने के बाद इसमें डाल दूँगी कट किए हुए टमाटर। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, तो उसे बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। और उसके बाद हम इसमें ही अपने जो थोड़े से जो मसाले हैं वो ऐड करना। मसालों में क्या है ना कि बस हल्का सा थोड़ा सा नमक डालना है, जिससे कि जो हमारे टमाटर है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और थोड़ी सी डाल देनी है हमें हल्दी, इससे क्या है ना कि जो मैगी का जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। वरना वेजिटेबल डालने से ना मैगी का जो कलर है थोड़ा सा लाइट हो जाता है और टेस्ट भी थोड़ा सा उसका लाइट हो जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर इसमें ऐड किया है। और इसको डालने के बाद ढककर हम 1 से 2 मिनट तक इसको पका लेंगे। और अभी ये देखिए अभी हमारे जो टमाटर हैं अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, और जो हमने हल्दी डाली थी वो भी पक गई है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ चम्मच से प्रेस करके, तो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर मेरे। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपना मैजिक, यानी कि मसाला मैजिक, जो मैगी मसाला मैजिक है उसको डालूंगी मैं इसके अंदर। तो हालांकि मैगी का जो मसाला है वो तो है, उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा में मैगी मसाला भी डाल रही हूँ उसके अंदर जो आता है। उसके बाद इसको डालने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करते हुए टमाटर को इसके अंदर मैश कर देंगे, जिससे कि टमाटर अच्छे से मैश हो जाए इसके अंदर। और अभी ये देखिए बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी फ्रेंड्स मसाले की भी। तो अभी हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं, टमाटर भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसके अंदर 1 कॉफ़ी मग, जो होता है कॉफ़ी मग होता है उसे 1 मग पानी डाल देंगे हम। तो पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे, और जब हमारा ये बॉईल होने लग जाएगा तब हम ये देखिए इसके अंदर डाल देंगे अपना जो मैगी मसाला, जो हमारा मैगी के अंदर जो मसाला मिलता है ना उसको डाल रहे हैं हम इसमें। तो ये देखिए, तो 2 पैकेट मैगी थी तो 2 पैकेट उसके मसाला था पैकेट, वो भी मैंने डाल दिया है दोनों, ये देखिए। तो अगर आप चाहें ना तो अपने खुद के बनाए मसाले भी डाल सकते हैं। आप मैगी मसाला नहीं यूज करना चाहते तो आप अपने खुद से मसाले, जो घर के बेसिक मसाले हैं उनसे भी आप लोग बना सकते हो। मैं वैसे ज़्यादातर अपने बेसिक मसालों से ही बनाती हूँ, मुझे वो मैगी ज़्यादा अच्छी लगती है। बट मैंने आज जो इसकी मैगी मसाला मिलता है ना उसी से बनाई है। तो अभी देखिए बॉयल हो रही है अच्छे से, तो अभी ये बॉयल होने लगा है तो अब हम इसके अंदर अपने जो ये मैगी हैं ये डाल देंगे इसके अंदर। तो ये देखिए एक एक करके हम दोनों को डाल देंगे इसमें। और फ्रेंड्स जब बॉईल होने लगे हमारा पानी तभी इसको डालना है, उससे पहले नहीं डालना है।
तो ये देखिए अभी ये बॉईल होने लगी है और इसको हम पलट देंगे दोनों तरफ से, जिससे कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए दोनों को मैंने अच्छे से कर दिया है, तो अभी ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गई। इसको थोड़ा सा चम्मच से करके हल्का हल्का से इसको अलग कर देंगे, जिससे कि इसे उबलने में आसानी रहे फ्रेंड्स। तो इसे तोड़ना नहीं है, चूरा नहीं करना है, तभी इसके लच्छे लच्छे बनेंगे, वरना क्या है ना वो घुट जाती है मैगी, फिर वो खाने में नहीं अच्छी लगती है। और ये देखिए अभी हमारी जो मैगी है वो बन रही है। तो आ जाइए आप लोग भी फटाफट से, जिसको भी गर्मा गर्म मैगी खानी है फ्रेंड्स तो आ जाइए। मैगी बन रही है, वो भी मटर वाली। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ना, रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी, काफ़ी टाइम से वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना देती हूँ एक मैगी का वीडियो। तो ये देखिए अभी मेरी मैगी जो है लगभग लगभग बन चुकी है, बट अभी इसमें थोड़ा सा अभी और टाइम लगेगा फ्रेंड्स। कहने को तो ये होता है कि मैगी 2 मिनट में बन जाती है, बट ऐसा है नहीं फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम लग जाता है अगर आप ऐसे बनाते हो तो। तो इसे एक बार हम फिर से थोड़ा सा हल्का ढक के इसे पका लेंगे और अब देखते हैं। तो ये देखिए अभी जो मैगी का लुक देखिए कितना प्यारा आ रहा है फ्रेंड्स, मतलब देखकर ही भूख बढ़ जाए। वो जैसे कहते हैं ना ऐड आता था कि मम्मी भूख लगी, तो मम्मी कहती थी बस 2 मिनट बेटा, तो सही में मैगी को देख के तो भूख बढ़ जाती है। तो अभी मैगी बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड्स, तो आ जाइए फ्रेंड्स जिसे जिसे मैगी खानी है। ये देखिए मैं टच करके भी दिखा रही हूँ आपको, अच्छे से हो बॉईल हो चुकी है। तो आ जाइए फ्रेंड्स जिसे जिसे मैगी खानी है, मैगी गर्मा गर्म तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके ये प्यार प्यार से कमेंट जो है हम लोग के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैगी रेडी हो गई है, अभी मैंने कटोरी में निकाल दिए। तो आ जाइए फ्रेंड्स आप लोग भी। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।